ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं इसे लॉग आउट करता हूँ, फिर से आपको लॉगिन करके स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कैसे आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर फिल करने के बाद फिर से लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर ट्रेन पे क्लिक करना है, बुक टिकट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे मुंबई टू गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, इसके बाद कोटा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है आप उस ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जिस रूट में जितने भी ट्रेन है सारा देखने को मिल गया है। सिंपल एक सिंपल स्लीपर क्लास पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसमें देख सकते हैं 31 जनवरी में 47 सीट अवेलेबल है। सिंपल यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते आप मास्टर लिस्ट भी बना के पहले से रख सकते हैं, लेकिन आप मास्टर लिस्ट नहीं बना रखे हैं। सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैसेंजर का नाम ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपको एज ऐड करना है। यदि फीमेल है तो 45 साल प्लस होना चाहिए, यदि मेल है तो 60 साल प्लस होना चाहिए। मैंने एक नाम ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद सेकेंड नाम ऐड करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर सेकेंड नाम फिर से ऐड करेंगे। मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे UPI सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। जब भी आप सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करेंगे तो एक बात को आपको ध्यान रखना है, एक साथ आप लोग दो ही पैसेंजर का सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करता है, तीन नाम चार नाम एक साथ बुक करने की कोशिश करता है सीनियर सिटीजन कोटा में, इसकी वजह से उनका टिकट वेटिंग लिस्ट में भी बुक हो जाता है। सिंपल यहाँ पर फिर से हम कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पेमेंट मेथड पे आ चुका हूँ। इसके बाद सिंपल UPI सेलेक्ट करूँगा, पे क्लिक करूँगा। पे क्लिक करने के बाद फिर से UPI सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे UPI ID डाल के वेरीफाई करना है। इसके बाद सिंपल आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद सिंपल आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद फोन पे आपको ओपन करना है, वहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपल वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को UPI पिन डालना है। UPI पिन जैसे ही डालेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो सीनियर सिटीजन कोटा में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से 2023 में टिकट बुक कर सकते हैं।